हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या लव मैसेजेस हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग है, जो मैसेजेस के थ्रू वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। सो गाइस, रीडिंग जो है कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें। बाकी को जाने दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है टैरो 313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अपने पर्सन पे फोकस रखिए। रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्रेंड, अपने क्रश, सबके लिए देख सकते हो। अब तो ये बातें मुझे रट चुकी हैं, बैक टू बैक डेली इसी को बात को बोल बोल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपके पार्टनर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, लव मैसेजेस क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के यूनिवर्स गाइड करें, रिव्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं, लव चैनल मैसेजेस क्या हैं, क्या फीलिंग है उनकी, जो मैसेजेस के थ्रू मेरे रिव्यूअर्स के पार्टनर्स उनको कहना चाहते हैं। ओके, आई एम गोइंग थ्रू लीगल केस, प्लीज़ वेट फॉर मी। ये पर्सन कोई लीगल केस से गुजरा है गाइस इस टाइम, सो आपको कह रहा है आप वेट करो। हो सकता है इसका कोई लीगल केस चल रहा है, इशू कोई प्रॉपर्टी का, या इस पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है किसी के साथ, वहाँ पर इस पर्सन का कोई केस चल रहा है। सो यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन। I want to say something very important to you. Please meet me once. ये पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कहना चाहता है, सो ये कह रहा है प्लीज़ आप इस पर्सन से एक बार मिल लो। सो गाइस, अगर आपको ये पर्सन मिलने के लिए बुलाता है, देन डेफिनेटली आप लोग मिलने चले जाइएगा, ताकि कुछ क्लैरिटी तो मिले आप लोगों को। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ये कह रहा है गो विद द फ्लो। आप भी गो विद द फ्लो जाओ। ये पर्सन को भी ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि जो भी होगा बेटर होगा, अच्छा होगा। इसीलिए किसी चीज़ों को भी फोर्स मत करो, और जो जैसे चीज़ें चल रही हैं, जैसे डिवाइन या यूनिवर्स आपको लेके चल रही है, गो विद द फ्लो, जाते रहो। ठीक है, किसी चीज़ को फोर्स ना करो। यू आर माई पीस, आप इस पर्सन का पीस हो। आपकी प्रेजेंस से आपसे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। आई वॉन्ट टू हील अवर बॉन्ड्स टूगेदर, ये पर्सन चाहता है जो भी आपके बॉन्ड्स हैं दोनों के, आप मिलके एक दूसरे को हील करो। चाहता है आप लोगों के साथ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, हील करो। आप इस पर्सन का पीस हो, आपसे बात करके आपके साथ हो कि इस पर्सन को सुकून मिलता है। बट ये कह रहा है यूनिवर्स पे भी तो ट्रस्ट रखो, जो होना है यूनिवर्स के टाइमिंग पे होना है, यूनिवर्स के चाहने से ही होना है। ओके, सो नेक्स्ट है आई एम सॉरी। यस, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है इसको सॉरी कर रहे हैं आपके पार्टनर्स जो भी इन्होंने किया है आपके साथ। लिव विद मी फॉर एवर, आप हमेशा इस पर्सन के साथ रहो, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहता है हमेशा। इट वॉज जस्ट अ साइकिल, इस टाइम आपके दरमियान, दोनों के दरमियान डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ साइकिल चल रहा था। ठीक है, और कुछ लोगों के अभी साइकिल चल भी रहा है, बट लीगल केस चल रहा है, वेट करिए गाइस। आई वांट टू किस यू, ये पर्सन आपको किस करना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है इस टाइम, काफ़ी लव फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स आपको लेके। आई वांट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस, ये पर्सन दोनों के लिए अबंडेंस चाहता है, ग्रोथ चाहता है आप दोनों के लिए ही। इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन व्हेन आई मेट यू, बट नाउ अवर लव इज़ गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉर एवर। जब ये पर्सन आपसे मिला था, डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान जस्ट अट्रैक्शन फील करता था, बट अब इस पर्सन को आपसे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि ये चाहता है कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, आपके साथ रहना चाहता है। आई डोंट नो व्हाट्स किलिंग मी मोर, टॉकिंग टू यू और नॉट टॉकिंग टू यू, इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि इस पर्सन को ज़्यादा कौन सी चीज़ फील करती है, आपसे बात करना या आपसे ना बात करना। आई थिंक जब भी आप बात करते होगे एकदम से फाइट हो जाती है, तो समझ नहीं आती कि बात ना करो तो आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, ये पर्सन भी नहीं रह पाता आपके बिना। तो आप डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूज है, इसको समझ नहीं आ रही कि आपसे बात करना सही है या ना करना सही है। सेक्सुअल अट्रैक्शन, आई कांट होल्ड बैक एनी मोर, लेट्स प्ले, ये पर्सन आप काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता है, फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, और अब इस पर्सन से कंट्रोल नहीं हो रहा गाइस, आपसे दूर नहीं रह पा रहा, सो ये आपके साथ जो ना थोड़ा करना चाहता है, समझ जाओ। Was it just a game for you? It was not for me. I opened my heart and you trust, and you trusted. Yes. So guys, ये पर्सन कह रहा है कि आप लोगों के लिए ये सब कुछ गेम थी, बट मेरे लिए ये गेम नहीं थी। मैंने आप लोगों के लिए अपना दिल खोला था और आप पे ट्रस्ट किया था। आपने हो सकता है इस पर्सन को छोड़ा है, या आपने इसको किस तरह का चीट किया, आपने इस पर्सन को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया या कनेक्शन ख़त्म किया है, बिकॉज मे बी आप इस पर्सन की मतलब जो भी सिचुएशन आपके दरमियान थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, इसी वजह से आप लोगों को कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, आप लोग मूव कर गए, क्योंकि कुछ सर्व ही नहीं कर रहा था आपको ये कनेक्शन जो आप लोग चाह रहे थे, ये पर्सन आपको दे नहीं रहा था, मतलब के कमिटमेंट इस तरह का। सो दैट्स वाई आप मूव कर गए।
या ये पर्सन अगर किसी और सिचुएशन में था थर्ड पार्टी में तो आप लोगों ने भी किसी और को चूज़ कर लिया, अब ये पर्सन का लीगली केस चल रहा है, सो दैट्स वाई आप अब ये चाहता है कि आपको चाहता तो है बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी में ये पर्सन चले गया था, चाहे किसी के साथ कनेक्शन में था या ये पर्सन किसी के साथ शादी में था, तो अब उसका लीगल केस चल रहा है। बट ये आपसे प्यार करता है, इसने अपना हार्ट आपके लिए ही ओपन किया था और आप पे ही ट्रस्ट किया था, बट आप लोगों ने शायद इस पर्सन को समझा कि ये गेम खेल रहा है या ये कनेक्शन ये सब कुछ का प्यार आप लोगों के लिए गेम था, बट इसके लिए गेम नहीं था। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन येस और नॉट, ये पर्सन कह रहा है कि आप इस पर्सन को दोबारा एक्सेप्ट करोगे, ये फर्स्ट टाइम इस डेक से कार्ड आया है, क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, येस और नो ये पूछ रहा है आपसे। देन है गाइस देर इज़ टू मैनी ऑब्स्टेकल राइट नाउ, अभी आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं, ईजी नहीं है ये कनेक्शन। कैन यू लीव योर हस्बैंड वाइफ एंड मैरी मी, या आई ऑलरेडी टोल्ड यू कोई ना कोई यहाँ पे मैरिड है, ये पर्सन मैरिड है, लीगल केस से गुजरा है, तो ये कह रहा है अपने हस्बैंड या वाइफ को आप छोड़ सकते हो और मेरे से शादी कर सकते हो, ये फर्स्ट टाइम आया है, ये भी कार्ड फर्स्ट टाइम है, ये भी फर्स्ट टाइम है, ये भी फर्स्ट टाइम है, यस। सो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है ऐसा जिसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम कार्ड आए। सो ये चाहता है अगर आप मैरिड हो किसी के साथ, आप लोगों ने इस पर्सन को छोड़ा, ठीक है, सो अब ये चाह रहा है कि अगर आप किसी के साथ मैरिड हो तो क्या आप इस पर्सन के लिए अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ सकते हो एंड मैरी मी, इसे शादी करोगे। ऑब्स्टेकल चैलेंजेस डेफिनेटली यहाँ पे हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और मैरिड हैं आप लोगों के पार्टनर्स, और हो सकता है आप लोग भी मैरिड हो बट ये पर्सन भी किसी और से मैरिड है, आप लोग सिंगल हो ये पर्सन किसी और से मैरिड हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह की काफ़ी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आई चूज़ द रॉन्ग पर्सन, डेफिनेटली इस पर्सन ने रॉन्ग पर्सन चूज़ किया है, इसको आप रियलाइज़ हो रहा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यू नो गाइस इमोशंस में आके इस पर्सन ने गलत डिसीजन ले लिया है। सो अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि इस पर्सन को ऐसे नहीं करना चाहिए था। यस इट मे सीम डैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू बट डैट इज़ ऑल फॉर श्योर, या ये पर्सन कह रहा है आपको फील आपको नज़र आता है कि जैसे मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट ये सिर्फ शो ऑफ करता है, ये टोटली आपके साथ लव करता है, टोटली ये पर्सन को आपसे प्यार है, ठीक है, प्यार करता है आपसे। और कुछ लोगों के पार्टनर्स को यहाँ पे वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इस टाइम ये पर्सन अपने काम पे फोकस कर रहा है, दैट्स वाई आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, दैट्स वाई इस पर्सन को ऑब्स्टेकल है क्योंकि ये भी इसके पास इतना मनी नहीं है कि आपको कुछ यू नो एक स्टेबल ऑफर कर सके, स्टेबल कमिटमेंट दे सके, बट मोस्टली यहाँ पे आपकी जो है ना पार्टनर वो किसी और से यहाँ तो मैरिड है, या आप किससे मैरिड हो या दोनों ही मैरिड हो। यस सो ये मैसेजेस थे गाइज आपके पार्टनर्स की तरफ से, ये उनकी फीलिंग्स से जो मैसेजेस के थ्रू आपको कन्वे करना चाहते थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ भी रेजोनेट किया हो पसंद आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।